हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल बटन को ताकि अपडेट्स पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं एल अबाउट कोई फिश के, कोई फिश की इसकी इंफॉर्मेशन, इसके डिटेल्स। और देखिए, अगर आप कोई फिश कीपर्स हैं या अगर आप इसको ब्रीड करना चाहते हैं या आपको ऑलरेडी इसके पास आप या ऑलरेडी आपके पास कोई फिश है, तो सब जानते हैं कि कोई फिश जो है पॉपुलर फिश है, चाइना से बिलोंग करती है। ये फिश जो है पहले फुट के हिसाब से फिशेस को इस्तेमाल किया था जापान में। ये जापान में बहुत पॉपुलर फिश है। बहुत से वेराइटीज़ की फिशेस पाई जाती है, जैसा कि उसमें हाईएस्ट ब्रीड जो है बोहोको और रेड एंड वाइट कोई। ये फिशेस यूनाइटेड स्टेट में बहुत पॉपुलर है। कोहोको फिश जो है बहुत स्मार्ट फिशेस है, इंटेलिजेंट होती है। लॉग डॉग की तरह, पेट डॉग होता है उस तरह इंटेलिजेंट होती है, और कैट की तरह इंटेलिजेंट होती है, जिसकी वजह से अमेरिका में इस फिशेस को नॉर्मल रखा जाता है। कोही को फिश जिसे कहा जाता है, कोई फिश की फैमिली से बिलोंग करती है। फिशेस को ट्रेन किया जाता है जैसा कि हाथ में फिट करने से और रिंग में जंप करने के, इस तरह से इन फिशेस को इस तरह ट्रेनिंग भी दी जाती है। कोई फिशेस जो है बहुत ज़्यादा पॉन्ड्स में पाई जाती है। पॉन्ड्स में फिशेस को ग्रोथ किया जाता है। ये फिशेस 3 फीट तक भी बड़ी हो जाती है अगर आप प्रॉपर केयर करें तो। कोई फिशेस को दांत नहीं होते और फीमेल जो है मेल फिशेस से ज़्यादा बड़ी होती है और मेल फिशेस फीमेल से छोटी होती है। कोई फिशेस ग्रुप फिशेस हैं, इसलिए ग्रुप में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये कॉमन फिश है। ये फिशेस आप प्रॉपर केयर करें तो 25 से 30 साल तक भी जी लेती है। लेकिन आप ज़रूरी है कि अगर आप इस फिशेस को रखें तो एटलीस्ट 3 फीट टैंक रखें, और इसका डेप्थ भी जो है, गहराई भी टैंक की या पॉन्ड की बड़ी होना ज़रूरी है, क्योंकि फिशेस वर्टिकल ज़्यादा स्विम करते हैं। और एक चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने टैंक का कवर पर बंद करें, क्योंकि ये फिशेस जंपिंग फिशेस भी है, बाहर जंप भी कर सकती है अगर सही एनवायरनमेंट टैंक में ना मिले तो। और ये फिशेस बहुत कम्प्लीटली बॉटम फिशेस है जो स्मूथली है, और आसानी से इस फिशेस को आप केयर कर सकते हैं। अगर प्रॉपर वाटर कंडीशन नहीं रहेगा तो फिशेस को बहुत जल्दी डिसीज़ अटैक हो सकती है। बहुत से लोग की फिशेस जो है मर जाती है, इसकी वजह होती है कि पानी का जो है पीएच लेवल और टेम्परेचर इन स्टेबिलिटी रहता है, जो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से फिशेस को प्रॉब्लम होती है। इसलिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर और पीएच एक ही लेवल मेंटेन करें। इसके लिए 24 घंटे हीटर और फिल्टर ऑन रखें ताकि पीएच और टेम्परेचर की मात्रा जो है एक ही साथ जमी रहे, जैसा कि आप इन फिशेस को 19 से 26 टेम्परेचर तक भी रख सकते हैं सेल्सियस डिग्री, और पीएच लेवल जो है 6.5 to 7.0। और इसकी प्रॉपर केयर के लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में एक बार 25% वाटर चेंज करते रहे, और डेली 2 टाइम्स फीड करें, और जैसा कि प्रोटीन फूड है उस तरह के फीड उसको दे, जैसा कि ब्लड वर्म है, वेजिटेबल है, फ्लोटिंग पैलेट्स है, रिवर श्रिम्स है, इस तरह के फीड जो है इनको दे। कोई फिश को उतना ही फीड करे जितना वो 2-3 मिनट के अंदर ख़त्म कर दे, ज़्यादा ओवर फीड भी ना करे। और जैसा मैंने कहा कि ये ग्रेट जंपर्स हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप टैंक जो है गहराई डेप्थ जो है ज़्यादा रखें, 3 फीट 2.5 फीट की एटलीस्ट टैंक या पॉन्ड जो है डेप्थ में रखें, तभी ये फिशेस हैप्पी रह सकती है। और ओवर फीडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप पानी का कंडीशन सही रखें। ओवर फीडिंग करेंगे तो पानी का क्वालिटी जो है बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, इसलिए ओवर फीडिंग भी ना करें। बहुत से इसमें वेराइटीज़ हैं, जैसा कि कोई फिश में गोल्ड कोई फिश होती है, मिल्की कोई कार्प होती है, कोई कार्प फिश, इस तरह के सब एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। इनके लिए सभी एक ही केयर होता है। इस तरह आप प्रॉपर केयर करेंगे तो फिशेस जो है 25 से 30 साल तक भी जी लेती है, और 2 फीट तक भी फिशेस बड़ी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।